हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील आर्ट विद रजनी। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह का समय है और आज मेरे हस्बैंड जी गाजर कद्दूकस कर रहे हैं क्योंकि हमें बनाना था गाजर का हलवा। और यहाँ बच्चे सुबह पढ़ रहे थे, सुबह 8 बजे का टाइम है, पढ़ रहे थे तो मैं वही जल्दी जल्दी नाश्ता की तैयारी कर रही थी। और यहाँ देखिए मेरे प्यारे कबूतर उतरे हुए हैं दाना खाने के लिए। जब से लूका छत पे आना स्टार्ट हुआ ना, तब से सारे कबूतर अब नहीं आते हैं, बहुत कम डर से आते हैं। और सुबह सुबह इतना सारा काम रहता है तो बहुत काम था जल्दी जल्दी निपटा के। आर्ट तो सुबह बना नहीं पाऊँगी। आर्ट सुबह क्या मतलब नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि आज भी थोड़ा छत उत पे खाद वगैरह डालना था। यहाँ देखिए गाजर का हलवा बनाना था तो दूध ही फट गया, जो मैं दूध इकट्ठा करके रखी थी। तो फिर हमें उसमें जितना दूध था मैंने सोचा चलो उसे हम बना लेते हैं। फिर हमने सोचा चलो इसमें अमूल पाउडर हमारे पास मौजूद था तो सोचा चलो उसे डाल देते हैं। अमूल पाउडर डाल रहे थे, ऐसे भी बनता है पाउडर, अमूल पाउडर डाल के तो टेस्ट अच्छा ही हुआ था। और वही मेरे हस्बैंड जी डाल रहे हैं तो मैं पूजा वगैरह कर रही थी तो वो थोड़ा हलवा में मेरा मदद कर दिए। फिर मैं जल्दी से रोटी सब्जी वगैरह बना के नाश्ता दे दी और फिर देखे उसके बाद जल्दी जल्दी काम निपटाना था तो क्या क्या करना है पता नहीं। और आज दोपहर के खाने में बनाना पड़ा था साग, आलू का चोखा, बैंगन का चोखा और धनिया की चटनी। तो कुछ कभी सिंपल भी और कभी ठंडे में तो सब्ज़ी इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं कि जो सब्ज़ी मिलते हैं उन्हें किसी और रूप में ढाल के बनाओ तो वो कुछ अच्छा चीज़ बन जाता है। जैसे हरी सब्जी इकट्ठे कर तो रहे क्या तो हो गया, पाव भाजी बना लिए, मोमो बना लिए या फिर सांभर बना लिए, बहुत ऐसा आइटम है। तो ठंडे में बहुत सारी अच्छे अच्छे सब्ज़ियाँ मिलती हैं। साग वगैरह भी बहुत टेस्टी लगते हैं साग वगैरह। यहाँ आज मुझे छत पे अपने पेड़ पौधों में खाद डालने थे और मिट्टी थोड़ा हल्का करना था तो लूका इतनी शैतानी कर रहे थे, काम ही नहीं करने दे रहे थे। पानी नहीं बस इससे आगे नहीं। लूका लूका देखो तुम्हारा रोवा लग जाता है ना, तो हमको पसंद नहीं है रोवा लगना, मतलब खुजली हो गई। चल अब थोड़ा डांस डांस इधर आ ना आ जा चल चल मेरे साथी चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी क्या हो गया लूका रखिए ना, कुछ नहीं करेगा वो, लेके भाग जाएगा यहाँ मैं अपना खाद ये है हमारी तेल नीम ऑयल और चींटी की दवा निकाल रही थी तो लूका मुझे निकालने नहीं दे रहे थे तो भूमि मेरी बेटी पकड़ के रखी लूका को तो मैं वही निकाल का ये है नीम ऑयल, इससे हमें पूरे पेड़ पे छिड़काव करना है। और ये है तुम छोड़ दो ना लूका को छोड़ दो और नज़दीक ला लूका नहीं
परेशान नहीं करोगे। ये चींटियों का पाउडर, अभी चींटी भी बहुत सारे पौधा में है। और ये है हमारी खाद, देखो देखो लुका, देखो लुका, देखो लुका, देखो लुका। नहीं की उसका मुंह पकड़े थे, नहीं की अब लुका परेशान नहीं करना, हाँ हम चले अपना काम करने। लुका लुका आपके लिए नहीं है, बड़ा बड़ा पेड़ में डालिए ना पहले। लुका लुका हो गया। आए आए पीछे जा, पीछे जा। स्मेल गंदा कर रहा है क्या? हाथ से क्यों छोड़ रही है, चम्मच से नहीं कर सकती थी? लुका ए तुम उधर जाओ, तुम्हारे खाने का चीज नहीं है, पेड़ लोग का खाने का चीज है। जा 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 उधर, उधर जा, उधर जा, उधर जा। जिसमें कुछ नहीं है उसमें क्यों डाल रही है? लुका नहीं, लुका अरे खाएगा तो। समझ नहीं आ रहा है तुमको? और यहाँ मैं मिट्टियों में खाद डालने के बाद निकालो ना, अनाज में घुस गया कांटा, गुलाब का कांटा घुस गया था, बहुत दुख रहा था। मेरा बेटा निकाले तो वो एकदम नस के अंदर घुस गया, देखो नस में घुस गया और ब्लड आने लगा। मैं तो डर गई थी बहुत। ऑफ करिए, आह वो आपको पे तो हटा ही देना चाहिए। और मिट्टियों की बहुत दिन से कुराई नहीं हुई थी, पूरे जकड़ गए थे, बहुत दिक्कत हो रहा था मिट्टी को निकालने में, ढीला करने में बहुत ताकत लगाना पड़ रहा था, तो हाथ भी दुख रहा था। फिर और समय टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा चलो आज इसे मैं इसे कंप्लीट ही कर लूँगी, दवा नीम ऑयल भी छिड़काव वगैरह सारा काम कर लेना आज मुझे। फिर और यहाँ सामने सभी को भूख लगे थे, बच्चों को भी और माँ बाबू जी को भी, तो मैं वही मैगी उन्हें बना के दे रही थी। सामने अधिकतर भूख लगी जाते हैं चाय के समय में,
तो बस ये मैगी थोड़ा इजी होता है तो बना के तुरंत खा लो। मैगी का नाम ही है, 2 मिनट में बनने वाला चीज़ है। तो यही मैं बना के माँ बाजी को देने जा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। यहाँ हम लोग इडली सांभर चटनी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इडली बनाना था तो मैं, मेरी बेटी बना रहे थे तो माँ भी उसमें आके थोड़ा बादाम उदाम फ्राई कर रही थी। फिर हमने माँ को मना कर दिया कि नहीं माँ आप नहीं कीजिए। नहीं देखिए स्पंजी और ये फर्स्ट ऑफ कर। और यहाँ हमारा खाना तैयार हो चुका है। हम लोग खाने जा रहे थे तो उसी समय हमारी दीदी ने पाव भाजी भेज दिया, तो हमने कहा चलो वो भी सर्व कर लेते हैं। तो खाना खिलाते उलाते 10:30 बज गए तो किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। तो मुझे अपनी पेंटिंग भी बनानी थी, पर जब तक ये काम बिखरा पड़ा हो तो फिर वहाँ भी जी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो इसे फटाफट पहले निपटा लेते हैं, नहीं तो सुबह फिर बहुत हड़बड़ हो जाता है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो किचन साफ़ कर लेते, तो मैंने किचन फटाफट जल्दी से साफ़ कर लिए, सारे काम निपटा लिए और उसके बाद मैं फिर अपना आर्ट बना पेंटिंग बनाने जा रही हूँ। सभी कोई सो चुके थे और 12 बजने वाले थे, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो नींद खोलने के लिए मुझे लेमन टी का सहारा लेना पड़ा अपना नींद खोलने के लिए। तो मैं वही लेमन टी बना के अपना चाय पी रही थी और अपनी पेंटिंग भी बना रही थी, क्योंकि आज मुझे कुछ हद तक कंप्लीट करना ही था क्योंकि दिन में आजकल बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। क्लास के दिन तो एकदम जैसे परफेक्ट हो जाता है कि मुझे करवाना ही है, तो अपना जल्दी से काम निपटा के क्लासरूम में चली जाती हूँ तो वहाँ पे अच्छे से हो जाता है, पर घर पे रहने पे काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मेरी पेंटिंग फ़िलहाल इतना कंप्लीट हुई है, तो इसे मैं अब कल बनाऊँगी क्योंकि अब 1 बजने वाला है तो मुझे वीडियो एडिट अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।